हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है इंडस्ट्री ट्रेनिंग। कि जब आप इंडस्ट्री ट्रेनिंग में जाते हो तो आप कैसे जाते हो और आपको किस तरह ट्रेनिंग करनी होती है, जिसको हम आईटी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्री ट्रेनिंग होती क्या है? जब आप कॉलेज में डिग्री या डिप्लोमा करते हो तो आपको कॉलेज के थ्रू ही आपको जाना पड़ता है ट्रेनिंग में, क्योंकि कॉलेज में जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप थ्योरी और कम होता है प्रैक्टिकल, और जब आप जाते हो इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करने तो आपको टोटली आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है और आपको सारा बेसिक बताया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो उसकी वो उसमें जाते कैसे है। आपके कॉलेज में एक कैंपस लगता है जो बाहर के होटल आते हैं और आके आपका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। जब आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो आपको आपको जो है कैंपस जो है जिस होटल से वो आए हैं वो अपने होटल में ज्वाइनिंग दे देते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपका इंट्रोडक्शन वगैरह लिया जाता है और आपका इंटरेस्ट पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, ये सब आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आप उसमें पास हो जाते हैं, फिर आपको आपको जाना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको एक टाइमिंग दी जाती है कि आपको इस डेट पर आपकी ज्वाइनिंग है इस होटल में। तो वो चाहे आपकी इंटरनेशनल भी हो सकती है और नेशनल भी हो सकती है, जिसमें आप चाहो और जिसमें आपको कॉलेज भेजना चाहता है, क्योंकि ये जो है कॉलेज के थ्रू ही आपको ट्रेनिंग होती है। या अगर आपकी किसी से जान पहचान है किसी होटल्स में तो आप वहां पर भी अपने थ्रू एक ट्रेनिंग लगा सकते हो। तो आपका कॉलेज में कोऑर्डिनेटर है जो ट्रेनिंग आपकी लगवा रहे हैं, उनसे आपको बोलना होता है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उनको एक लेटर लिख के देनी होता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग खुद लगवा रहा हूँ या लगवा रही हूँ। तो ये सब बेसिक तरीके होते हैं अपनी ट्रेनिंग खुद लगवाने के लिए। या फिर जो कॉलेज लगवाते हैं वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं कहाँ नहीं और किस, और फिर उसमें एक लिस्ट भी आपको दी जाती है कि ये वाले होटल, ये इस वाले होटल का हमारे कॉलेज में कैंपस लग रहा है, क्या आप इस होटल में जाना चाहते हो? तो ये भी आपकी एक च्वाइस होती है। या फिर आपको खुद कॉलेज में बताया जाता है कि आपको इसी होटल में जाना ही जाना है। तो ये सब होता है। और जब आप जाते तो उसमें आपको पूरी जैसे एक प्रॉपर जॉब होती है उसी तरह से आपको एक जॉब की तरह ही आपको जाना होता है। सुबह मॉर्निंग से रात आपकी तीन शिफ्ट होती है इसमें, जैसे मॉर्निंग हो गई, आफ्टरनून हो गई और इवनिंग शिफ्ट हो गई। तो ये सब आपको कॉलेज का जब काम खत्म हो जाता है आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है, तो उसमें कॉलेज का काम खत्म, फिर आपका स्टार्ट हो जाता है होटल्स। तो होटल से आपको ये ड्यूटीज लगाते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हो तो उसी डिपार्टमेंट में आपकी ट्रेनिंग लगाई जाती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो फूड प्रोडक्शन, तो फूड प्रोडक्शन में जो शेफ है वही आपकी टाइमिंग फिक्स करेंगे कि आपको किस टाइमिंग में आना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इसमें अगर आप फ्रंट ऑफिस में जा रहे हो या हाउस कीपिंग में, F&B सर्विस में, तो सेम प्रोसेस वो होता है, वो आपको टाइमिंग बताएंगे कि आपको किस टाइमिंग में आपको आना है। तो ये सब थी ट्रेनिंग में आप किस तरह जाते हैं। बात करते हैं अकोमोडेशन की, कि आपको होटल अकोमोडेशन देता है। तो कोई कोई होटल, वो होटल पे डिपेंड होता है, कोई होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है आपको, कोई होटल नहीं करता। अगर होटल जो है फाइव स्टार वाले होटल है या सेवन स्टार वाले होटल है, वो बहुत ही कम आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं फूड की, क्या फूड प्रोवाइड करते हैं? यस, आपको जब आप होटल्स में जाते हो ट्रेनिंग में तो आपका जो है, जैसे आप मॉर्निंग की शिफ्ट है आपकी, लंच वो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, ब्रंच हो गया, ये सब आपको फ्री होता है। तो ये होटल्स की तरफ से ही होता है, खाने की आपको कोई टेंशन नहीं होती, खाना आपको होटल्स में मिलता है, बस रहने की थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं यही आपको बताऊंगी कि जब जिस होटल में आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो आपको अगर उसमें अकोमोडेशन नहीं मिला तो आप कोई पास में कोई फ्लैट ले लीजिए या पीजी ले लीजिए और आप तीन चार ग्रुप्स में ले लीजिए, ताकि आपका
जो है महीने का खर्चा जो है आपका कम है, रेंट आपका कम पड़े अगर आप 2-3 उसमें ले रहे हो, क्योंकि आपका खाने का खर्चा तो होता नहीं है, आपको बनाने की कोई टेंशन नहीं, आपको बस जाना है और वहां पर रहना है। और पास में अगर आप लेते हो पीजी या फ्लैट्स तो आपका जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका बच जाता है, आने जाने का खर्चा, क्योंकि पास में होता है, आप अपना पैदल भी जा सकते हैं और अपना आ भी सकते हो। बट कोई कोई होटल्स जो है आपको अकोमोडेशन देता है, जैसे आप बात करते हैं हम बाहर की अब्रॉय की, बाहर अब्रॉड की, हम अब्रॉड की बात करते हैं, तो वहां पर आपको अकोमोडेशन मिलता है और आपको स्टफन भी मिलता है। साथ ही स्टफन की भी बात कर लेते हैं, आपको स्टफन भी मिलता है। तो यहाँ पर भी इंडिया में भी आपको स्टफन मिलता है, पर बहुत कम मिलता है आपको ट्रेनिंग में, जैसे 1200-1500 ऐसे मिलता है आपको स्टफन। और आपको जब बाहर आप एब्रॉड में जाते हो तो आपको वहां पर 5000-10000 मंथली आपको मिलता है, 10-10000 कम से कम आपको तो मिलता ही मिलता है स्टफन, और आपको रहने का भी मिलता है, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आपका बस जाने का जो टिकट होती है और आने की टिकट और वीजा वगैरह का, वो खर्चा आपका खुद का होता है। बाकी आपको वहां पर मंथली आपको स्टफन मिलता है, खाने का फ्री होता है, आपका रहने का फ्री होता है, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती, बिजली पानी किसी भी चीज की। और अगर आप इंडिया में करते हो, इंडिया में कोई कोई होटल्स है जो आपको स्टफन देते हैं, 1200-1500 इससे ज्यादा नहीं देते, और बाकी खाना आपका फ्री होता है। कोई होटल्स है देते हैं इंडिया में भी आपको अकोमोडेशन, जो जिनका ज्यादा नाम नहीं होता, जिस होटल का ज्यादा नाम नहीं होता, जैसे 4 स्टार हो गए, 3 स्टार, ये आपको देते हैं, आपको अकोमोडेशन भी देते हैं, आपको फूड फूड तो चलो हर होटल में ही होता है, और आपको स्टफन भी देते हैं। तो ये सब थी ट्रेनिंग में आप किस तरह जाओगे और क्या क्या आपका होएगा। और ये जो ट्रेनिंग है ये कई तरह की होती है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो किसी स्पेसिफिक फील्ड में, आप कर रहे हो डिप्लोमा जैसे फूड प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल एंड फ्रंट ऑफिस F&B, तो आपकी जो ट्रेनिंग है आपकी उसी फील्ड में लगती है। जबकि आप करते हो डिग्री फॉर ईयर या 3 ईयर वाली, तो उसमें आपको जो ट्रेनिंग में जाना होता है आपको ऑल डिपार्टमेंट की आपको ट्रेनिंग करनी होती है, जैसे फ्रंट ऑफिस एंड F&B सर्विस, और आपकी जो है हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, HR, जितनी भी फील्ड्स होती है आपको सब में करनी होती है ट्रेनिंग। और वो कौन लगाता है, वो होटल से, बस आपका जब कॉलेज का काम खत्म और कॉलेज की तरफ से आप चले गए, और फिर आपको होटल्स में सब कुछ आपको बताया जाता है। अगर आपकी डिग्री है तो आपको उसी हिसाब से वो आपकी जो है टाइमिंग फिक्स होती है और आपकी फील्ड चेंज होती रहती है। जैसे आपकी मान लो 6 मंथ की ट्रेनिंग है, तो आपको 1 मंथ हाउसकीपिंग, 1 मंथ फ्रंट ऑफिस, 1 मंथ F&B सर्विस, 1 मंथ प्रोडक्शन में आपको भेजा जाता है। तो और आपको सब कुछ सिखाया जाता है क्योंकि आप एक डिग्री कर रहे हो। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो सब सिर्फ आपको एक फील्ड में ही भेजा जाता है, जिस फील्ड में कि आप डिप्लोमा कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप बेकरी कर रहे हो, तो आपको बेकरी में ही भेजा जाएगा, आप और किसी में आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। और ट्रेनिंग होती कितनी मंथ की ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेनिंग कॉलेज का हिसाब होता है, कोई कॉलेज आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग करवाता है, कोई कॉलेज आपको 3 मंथ, 5 मंथ, ये सब कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। ये आपको तभी पता चल जाता है जब आपकी कॉलेज में आप एडमिशन करवाते हो, या डिप्लोमा के लिए या डिग्री के लिए एडमिशन जब आपका हो रहा होता है, तो उसी वक्त आपको बता दिया जाता है कि इतने साल आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगी, फिर आप वापिस आओगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा और आपको सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाएगा, और फिर आपकी JT होगी, उसके बाद आपको कॉलेज प्लेसमेंट भी करवाएगा। कोई कोई कॉलेज आपको प्लेसमेंट भी करवाता है, तो ये सब आपको पहले ही बता दिया जाता है कि कॉलेज में प्लेसमेंट होगी और जब ट्रेनिंग होगी वो कितने मंथ की होगी। जब आप एडमिशन लेते हो आपको उसी दौरान सब कुछ बता दिया जाता है। तो ये सब बातें थी आपको ट्रेनिंग के बारे में, मैंने आज आपको इतनी सही नॉलेज दी ट्रेनिंग होती क्या है
और क्या किस तरह हम जाते हैं, और आप खुद भी लगा सकते हो ट्रेनिंग। अगर आपके किसी होटल्स में जान पहचान है तो आप खुद भी लगा सकते हो, और आप इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लगवा सकते हो, करनी होती है। तो चलिए हम इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अगर आपका ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई पॉइंट्स है जो आपके माइंड में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका भी आंसर आपको जरूर दूंगी। और अगर आपका कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड्स है जो इस फील्ड में जा चुका है या इस फील्ड में जाना चाहता है तो आप प्लीज इस वीडियो को आप उन तक जरूर पहुंचाइए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।